आजकल जैसे हम देखते हैं गुरु माँ, लोग बहुत परेशान रहते हैं, किसी न किसी तरीके से कुंठित रहते हैं, तो क्या डेली लाइफ में मेडिटेशन लोगों को मदद कर सकता है? अगर कर सकता है तो किस हद तक कर सकता है? क्या उनके गुस्से को शांत करने के लिए कर सकता है, या फिर जो वो बेमतलब की अपेक्षाएँ रखते हैं उनको शांत करने के लिए कर सकता है? और अगर कर सकता है तो उसका मेथड क्या होता है? एक आसान सी टेक्निक कोई हमारे दर्शकों के लिए जो मेडिटेशन के लिए आप बताएं। एक आदमी था और वो भीख मांग रहा था। लोग उसको रुपया दो रुपया ले दे करके जा रहे थे। बेचारा बहुत दुखी था कि खाने को भी नहीं होता। लेकिन जब वो मरा और उसकी चादर हटाई गई तो जिस जगह पर बैठा था उस जगह खजाना था, लेकिन उसको पता ही नहीं था कि मैं जहाँ बैठा हूँ वहाँ खजाना है। ऐसे ही हम लोगों के साथ होता है, हम लोग परमात्मा का खजाना लेकर के बैठे हैं, लेकिन हमें पता नहीं है, हमें पता नहीं है, इसीलिए हम दुखी हैं। हम दुनिया से कह रहे हैं कि तू मुझको कुछ दे दे, हम दुनिया से कह रहे हैं कि तू मुझको कुछ दे दे, जबकि वो जो चीज़ है वो मेरे ही भीतर है। मेडिटेशन सिर्फ इतना काम करता है कि आपने जब श्वास भरी और आपने अपनी श्वास को नाभि तक पहुंचाना सीख लिया तो आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो कह रहे हैं वो वही होगा। स्वर विज्ञान क्या कहता है? जो आप कह रहे हैं वही होगा, जो आप सोच रहे हैं वही होगा। जैसे अभी कुंडलिनी की चर्चा हो रही थी कि परमात्मा तक हम व्यक्ति अपनी बात पहुंचाना चाहता है, कोई व्यक्ति परमात्मा तक अपनी बात पहुंचाना चाहता है तो उसे अपनी कुंडलिनी तक अपनी श्वास को पहुँचा देना चाहिए। अगर वो अपने नाभि से दो अंगुल नीचे तक अपनी श्वास को पहुंचाना सीख जाता है तो वो व्यक्ति जो कहेगा नियति उसकी बात सुनेगी। इतना बड़ा खजाना लेकर के बैठा है, लेकिन हम क्या सोचते हैं, 5 मिनट आंख बंद करके बैठ जाएं शायद शांति मिल जाएगी। 5 मिनट शांत हो करके बैठ गए तो चीजें जो दिमाग में ओवर थिंकिंग के रूप में चल रही थी वो तो सॉर्ट आउट हो जाएंगी। बुद्धि मन जो लड़ाई कर रहे थे वो सॉर्ट आउट हो जाएगा, पर शांति नहीं मिलेगी। शांति तब मिलेगी जब ये खजाना उसको पता चल जाएगी, जहाँ मैं बैठा हूँ वही खजाना है। वो समझने की बहुत जरूरत है गुरुमा। गुरुमा, भजन ध्यान स्त्री और पुरुष का, इन दोनों के लिए अलग अलग नियम है? इसके लिए नियम तो अलग अलग नहीं है, तरीके अलग अलग हो सकते हैं। जैसे गुरुमा, जब हम भजन करते हैं या ध्यान करते हैं तो सडनली हमारी ऊर्जा नीचे से ऊपर की ओर उठती है। स्त्री के शरीर में जब ये ऊर्जा ऊपर उठती है तो इड़ा नाड़ी से होकर के जाती है, जो कि स्त्री का भाग है, जो हमारा लेफ्ट हैंड कहलाता है जी। पुरुष के शरीर में जब ऊर्जा उठती है तो वो पिंगला से, जो हमारा राइट हैंड कहलाता है जी, वहां से उठ करके जाती है। अच्छा, ये मतलब एकदम अनिवार्य सत्य नहीं है, क्योंकि कई बार कुछ पुरुषों में स्त्री तत्व होता है, मानी उनकी ऊर्जा इड़ा नाड़ी में रहती है। कुछ स्त्रियों में पुरुष तत्व होता है, उनकी ऊर्जा पिंगला नाड़ी में होती है। तो जब कोई साधना करता है या भजन करता है तो 3 टाइप के लोग होते हैं, एक वैरागी, एक ज्ञानी और एक भक्त। तो जो भक्त हैं वो कहीं ना कहीं स्त्री तत्व से अटैच होते हैं जी। हो सकता है स्त्री शरीर में हो या पुरुष शरीर में हो, तो स्त्री तत्व से कहीं ना कहीं अटैच हो। कई आपने देखा होगा लड़कों को, जो मतलब बिल्कुल मतलब हृदय से जीने वाले लड़के होते हैं वो दिमाग से नहीं जीते, और कई लड़कियां भी होती हैं जिनको आप देखेंगे तो उनमें दिल नाम की चीज नहीं होती, वो प्रॉपर दिमाग से जी रही होती हैं। तो जब हम साधना कर रहे होते हैं, भजन कर रहे होते हैं, तो हम भक्ति के बेस से जाते हैं तो ज्ञान और वैराग्य साइड से आते हैं। जब हम ज्ञान के रास्ते से जा रहे होते हैं तो वैराग्य और भक्ति साइड से आते हैं। जब वैराग्य के रास्ते से जाते हैं तो ज्ञान और भक्ति साइड से आते हैं। तो व्यक्ति का जो जीवन का रास्ता है वो इस पर डिपेंड करता है कि उसने पहला कौन सा चुना है। बाकी के 2 तो आ ही जाएंगे। तो जो वैराग्य के त्याग के मार्ग से गया वो हठ योग में, तपस्या में, उसमें ज्यादा चला जाएगा। फिर वो स्त्री शरीर होगी तो उसको थोड़ी सी कठिनाइयाँ और बढ़ जाएगी, जैसे कश्मीर की लैला थी, स्त्री शरीर में थी, उसने महावीर की तरह वस्त्र त्याग दिए थे, लेकिन उसका संसार में नाम नहीं हो सका। क्यों? क्योंकि वो
थी तो स्त्री महावीर की तरह वस्त्र, महावीर ने वस्त्र त्यागे, हालांकि वो भी समाज को स्वीकार्य नहीं था, पर एक स्त्री होते हुए कुछ मर्यादाओं को छोड़ना समाज के लिए बिल्कुल स्वीकार्य नहीं होगा। भगवान बुद्ध हैं, वो ध्यान में बैठे हैं, मीरा नाच रही है, मीरा नाच के भगवान को, अब मीरा को कोई कहे कि वो ध्यान में बैठे, नहीं बैठेगी। बुद्ध को कोई कहे कि नाचे तो वो नहीं नाचेगा। लेकिन कई आपने देखे होंगे जो गोपी भाव में इस पुरुष हैं लेकिन अब स्त्री का भेष लेकर के नाच रहे हैं। तो ऊर्जा का वे क्या है, बस उस वे पर डिपेंड करता है कि ये स्त्री तत्व के लिए है, ये पुरुष तत्व के लिए है, ये वैराग्य के त्याग के मार्ग से जा रहा है, ये ज्ञान के मार्ग से जा रहा है, ये भक्ति के मार्ग से जा रहा है। मार्ग तीन ही है, इन तीन में से ही फिर कोई कर्मयोगी हो सकता है, कोई निष्काम कर्म योगी हो सकता है, रास्ते तीन ही हैं। इन तीन में से कोई एक प्रमुख होगा, बाकी दो साइड से आ रहे होंगे। तो स्त्री के लिए कहीं ना कहीं वो वाला रास्ता जो महावीर का रास्ता है, जो भगवान बुद्ध का रास्ता है, वो समाज को स्वीकार्य नहीं होता। और पुरुष के लिए मीरा वाला जो रास्ता है कि कोई चूना रोड़ के नाचे, वो थोड़ा सा स्वीकार्य नहीं होता। पर प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है, किसी भी मार्ग पर चल सकता है। बस अपने आप को पहचाने कि मेरी ऊर्जा मेरे शरीर में किस रास्ते से होकर गुजर रही है। अगर वो इस इड़ा और पिंगला के भेद को पहचान लेता है तो निश्चित रूप से अपने मध्यस्थ मार्ग को चुन सकता है कि ये मेरे लिए भगवान ने चुना है। एक अंतर्दृष्टि होनी बहुत जरूरी है, मतलब कि अपने को झांकोगे तभी समझ आएगा कि आप कैसे परमात्मा को पाओगे।